जीना जीना सलाम अलैकुम, क्या हाल चाल, खैरियत होगी। आजकल IPL के मैचेस जारी हैं और लोगों की दिलचस्पी है इनमें, लेकिन लोगों की दिलचस्पी ऐसा ऐसा इनको देखने में क्या मौजूद, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें तकरीबन मैच फिक्सिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। हर मैच नहीं तो तकरीबन हर मैच में कोई ना कोई चीज़ इसमें जरूर फिक्स होती है, और जो बैठे टीवी में नाज़रीन होते हैं उनको भी तकरीबन पता चल जाता है कि अब कहाँ गड़बड़ हुई, कहाँ मैच फिक्स गया। और इससे जो इससे मैच फिक्सिंग से इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत ही खतरा है, क्यों ना कि आने वाले वक्तों में अगर इस तरह IPL में मैच फिक्सिंग जारी रही तो जो जो प्लेयर है वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आएंगे तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में मैच फिक्स करेंगे, और फिर इस तरह क्रिकेट का जो शायद कि उनको मज़ा आता है, दिलचस्पी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और क्रिकेट का मुस्तकबल भी बहुत तरीक हो जाएगा। क्यों ना कि ये IPL लोग अपने मुल्क की नुमाइंदगी छोड़कर IPL की तरफ खेलना पसंद करते हैं, क्यों ना कि IPL मैच फिक्स होती है, और उसके अलावा भी बहुत सारे पैसे मिलते हैं, और पैसे के लालच में लोग आ जाते हैं। इस 11वें साल पाकिस्तान की टीम जब साउथ अफ्रीका के दौरे पर गई तो साउथ अफ्रीका के जो मेन प्लेयर हैं वो उन्होंने अपने मुल्क की नुमाइंदगी छोड़कर IPL खेलने को तरजीह दी। ये सब मुझे बहुत अफसोस दुख हुआ कि इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़कर उन्होंने लीग को तरजीह दी। इस पर ICC को सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। अगर ICC ने इसके बारे में ठोस इकदाम ना किया तो आइंदा आने वाले 10 सालों में इंटरनेशनल क्रिकेट का वजूद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और जो क्रिकेट है वो IPL या दूसरी लीग क्रिकेट तक ही रह जाएगी। इसलिए ICC चाहिए कि इसके बारे में बड़े सख्त नोटिस ले और बड़े सख्त इकदाम करें। अगर IPL पर पाबंदी नहीं लग सकती तो इसको अपनी धीरे धीरे निगरानी करवाए, ताकि शायद की तो अच्छी क्रिकेट देखने को मिले और क्रिकेट को दिलचस्पी में इजाफा हो। और इसके साथ साथ अगर इसी तरह IPL मैच फिक्सिंग जारी तो जो आने वाले नौजवान खिलाड़ियों उन पर भी बुरा असर होगा, वो भी मैच फिक्सिंग करेंगे, अपने मुल्क का नाम बदनाम करेंगे। अगर इस तरह IPL में यही काम जाए तो आने वाले वक्त में इंटरनेशनल क्रिकेट में जो होते हैं टूर, एक मुल्क दूसरे मुल्क करता है, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट का जो T20 वर्ल्ड कप होता है या 50 ओवर का वर्ल्ड कप 4 साल बाद सिर्फ वही हुआ करेगा, और टेस्ट क्रिकेट भी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। फिर लोग IPL और दूसरी लीग खेलने का सोचे थे। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट को बचाना है तो ICC के बारे में सख्त इकदाम करने होंगे और मैच फिक्सिंग से क्रिकेट को दूर रखना होगा, तभी जाके क्रिकेट का मज़ा आएगा, क्रिकेट का खेल बरकरार रहेगा, वरना क्रिकेट का खेल ऐसा ऐसा आने वाले चंद सालों में ख़त्म होने के करीब हो जाएगा, खासकर इंटरनेशनल क्रिकेट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर करिएगा लाइक।